नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है, कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं याना मीर, उन्होंने ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो है उन युवाओं पर जो पाकिस्तान में अगवा हो रहे हैं और आरोप लगाया जाता है कि जो भारत के कश्मीर में भी अगवा हो रहे हैं, यानी कि गायब हो रहे हैं। तो आरोप लगाया जाता है कि एजेंसीज इन दोनों जगहों से उठा लेती है। तो इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में जो डिसअपियर हो रहे हैं यूथ, उनके ऊपर ये वीडियो किया है। तो चलिए देखते हैं कि इनके वीडियो में क्या है और ये क्या बता रही हैं। द वर्ल्ड कीप्स टॉकिंग अबाउट एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑफ यूथ। आई वांट टू हैव अ कंपैरिजन बिटवीन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इन पाकिस्तान एंड सो कॉल्ड डिसअपीयरेंसेस इन इंडिया, बिकॉज पाकिस्तान ऑन अ वर्ल्ड लेवल कीप्स टॉकिंग अबाउट माई कंट्री एंड कीप्स सेइंग दैट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूथ आर बीइंग अबडक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज and you know their lives are being destroyed by Indian security forces and all these kind of rumors that come out of the Kashmir Valley. So I just want to make a comparison between the kind of so-called disappearances in Pakistan, the country that keeps on harping against my country, that keeps on saying that my country is responsible for destruction of lives of youth in Kashmir. That country, the kind of enforced disappearances that are happening in that country and the kind of disappearances that are happening in the Indian side of Kashmir. तो बेसिकली याना मीर ये बताने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत पर आरोप लगाता रहा है कि कश्मीर में जुल्म ढाया जा रहा है, यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो गायब कर लेती हैं युवाओं को, वो उठा के ले जाती हैं, गायब हो जाते हैं युवा। तो याना मीर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता है और भारत में ऐसा होने का आरोप पाकिस्तान लगाता है। बेसिकली भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ इसमें तथ्य भी दिए होंगे, कुछ चीजें दी होंगी। तो आगे देखते हैं कि ये किस तथ्यों के बिना पर, किस आधार पर ये ऐसा कह रही हैं। So, point number one, the enforced disappearances in Pakistan. When you see the videos that families of the disappeared people make and publish and try to make it viral, they are trying to appeal to different world bodies, different human rights organizations. In those videos, you can see very clearly that they are requesting the organizations to tell the Pakistan government to release their youth, the young boys from their homes. They are getting picked up by the ISI, by the military regime of Pakistan, and they are getting wiped out of the globe. There is no sign of them. Some of them have disappeared for years and years. Some of them have been found dead. तो याना मीर, मैं इसलिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो अंग्रेजी में है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत साथ साथ मैं बताता चलूँ कि क्या कह रही हैं। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो डिसअपीयरेंस हो रही हैं युवाओं की, उसके बारे में बता रही हैं कि वहाँ की जो फैमिलीज हैं वो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी एजेंसियों से गुहार लगाती हैं कि भाई आप उनके बच्चों को ढूंढें, आप उनके बच्चों को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चे उन्हीं के कब्जे में हैं। is to prove my point, I would like to show you a video of Haseeba Kamrani, a Baluch woman. घरों में एक मर्द भी बाकी नहीं रहा है हमारे, सबको तो लेके जा चुकी हूँ, तो हमें भी लेके जाओ, उनकी जगह में लेके जाओ। और काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा सरमाया मेरे यही दो भाई थे, दोनों को ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने ही लापता कर दिया। एक ही में सब फ्लाश फेंक दी गई, यानी इतना दर्द जिस भाई को हम, जिस पर हम एक आंच तक, एक खरोच तक उस पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, हमारे भाई को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, ड्रिल किया गया था उन्हें, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, ब्लेड के निशानात थे, जलने के निशानात थे, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। दोनों ही दर्द हमारे लिए यानी कभी ना बर्दाश्त होने वाले, जो कभी ना भूलने वाले, कब्र तक हमें उनकी टॉर्चर और उनकी मसख लाश हमारे सामने रहती है, हम नहीं भूल पाएंगे शायद, ये दर्द ये तकलीफ हमसे जुड़ी रही। As you have already seen what Haseeba was saying, I'll show you one more video coming out from Pakistan of an enforced disappearance. This video is from Sindh and the people who have come down on streets are protesting because the son of their leader, a political organization called JSN Movement, the son of the leader of JSN Movement has gone missing, and the people are openly proclaiming on the streets that he has been abducted by the Pakistan military forces. Please have a look.
And now, I would like to show you a video from Kashmir. Mother of a disappeared son crying. She is appealing. Who is she appealing to for the return of her son? She is appealing to her son itself. She is telling her own son, please come back wherever you are. She is not blaming the government forces. She is not blaming the security forces of India. She is directly telling her son to come back. Wherever you are, please come back. You have an old mother. You have an old father. You have a family. You have sisters that need to get married. How can you abandon us and go join militancy? Please have a look at this video. I kill double. आप देखो कि आपका बाप बूढ़ा हो गया है, माँ भी बूढ़ा हो गई, बाप बहुत बीमार है। अगर मेहरबानी करे ऊपर वाले की तरफ से आप वापस आ जाओ कि हम बचेंगे, वरना हम मर जाएंगे। अकेले मैं आपसे खुदा की कसम यह वादा करता हूँ, कोई नहीं आपको करेगा, आप वापस आ जाओ। मैं फौज को भी बताऊंगा, आप वहां सिलेंडर कर लो, आप बेहतर मेहरबानी करो वापस आ जाओ। मैं बाद में So now that you've seen videos from both countries, it's very clear what are these disappearances all about. It's very clear. On one hand, you have disappearances that are being made by the military regime of Pakistan. On the other hand, the disappearances are done by the youth themselves, who leave their homes, who abandon their homes, their old parents, their siblings, to go and join militancy. That is their answer to possible social issues which happen anywhere in the world. Social issues like unemployment, social issues like lack of opportunities, any kind of social issues that are everywhere, all over the place, possibly even in your country. The youth who believe that militancy is an answer to these kind of social issues are the ones who are wrong. And I don't think that what they try to say, that their version of the story, is anything less than a propaganda. Yes, it is a propaganda, and it is a propaganda against my country. It's negative image building of my country. They join militancy with their own wish, and then they blame it on my country and on my forces. So this is what I wanted to bring to you all. Thank you so much for watching. देखिए, ये पूरा वीडियो आपने देखा, एक चीज तो इससे बहुत क्लियर हो गई है। क्लियर ये कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में या सिंध में जो युवाओं को गायब किया जा रहा है, उसमें सीधा सीधा वहां के जो फैमिलीज हैं, वो लोग हैं, वो सरकार पर आरोप लगा रही हैं, वो वहां की जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रही हैं, वो पुलिस पर, सेना पर, ISI पर आरोप लगा रही हैं कि भाई उन्होंने उनके युवकों को, भाइयों को, पिताओं को गायब किया है, उनकी लाशें भिजवाते हैं, वो मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। दूसरी तरफ जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, उसमें इन्होंने दिखाया, एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो में परिवार किससे अपील कर रहा था, पिता उनके किससे अपील कर रहे थे, बेटे से, कि तुम वापस आ जाओ। यानी कि यहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गायब नहीं किया, वो खुद गया है मिलिटेंसी की तरफ, वो खुद गया है आतंकवाद की तरफ। और जैसा कि याना बता रही थी कि यहां पर आतंकवाद का दूसरा रूप है, यहां पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में फंसकर लोग आतंकवाद पर चले जा रहे हैं, जो कश्मीरी युवक हैं। और पाकिस्तान में जो लोग हैं, वो पाकिस्तानी अत्याचारों से, सेनाओं के अत्याचारों से इतना तंग हैं कि वो उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है। और जब ऐसा हो रहा है, तो वो वहां से, उससे पहले ही कि कोई जाके उसके खिलाफ आवाज ना उठाए, इसलिए वहां से घर में से जितने भी युवा हैं उनको उठा लो, उनको मार दो, उनको गायब कर दो, उनको पता ही नहीं चले कहां पर हैं। तो ये फर्क था। और याना मीर ने बखूबी बताया कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। और जो दो वीडियो पाकिस्तान के उन्होंने दिखाए और एक वीडियो जो इंडिया का दिखाया, उससे आपको फर्क साफ समझ में आ गया होगा। और यही फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैं तो कश्मीर के युवाओं से कहूंगा कि अब आइए, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, मैंने देखा है, कई सारे वीडियोस हैं, खबरें आ रही हैं, वहां पे जो विकास के काम हो रहे हैं उनमें उनका योगदान है, वो कश्मीर को रीबिल्ड कर रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे युवक हैं, एक वर्ग है जो मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है, जो आतंकवाद की तरफ जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव 370 हटने के बाद बहुत ज्यादा आया है, और आगे भी ऐसे ही बदलाव आते रहेंगे। और यकीन मानिए, भारत का कश्मीर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और यहां के लोग ये बात जानते हैं। जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।
जय हिंद।